जय राम। आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा भाई, मजा आ रहा है श्री राम जय। कूड़े के ढेर में कहां भटक रहा है ये ले। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो जैसे कि अब तक मैंने अपने व्लॉग में ये बोला कि मेरा व्लॉग यूनिक होने वाला, अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने इन्जॉय किया, बट ये वाला जो मेरा व्लॉग होगा वो काफ़ी कॉमन सा होने वाला है, बिकॉज मैं अकेला ही आपको बाबा मरघट वाले मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूँ, जो कि जमुना बाजार में, और हर शख्स ऑलमोस्ट उस मंदिर के बारे में जानता है। तो चलिए, आई होप सो यू एन्जॉय। भाई शास्त्री पार्क से लोहे के पुल से होते हुए अपने मरघट वाले बाबा के आज मंदिर चलते हैं, और आप ये देखो सफर एंजॉय करो। और मुझे पता है सबको इस मंदिर के बारे में अच्छे से पता होगा, बट आपको फिर भी मजा आएगा। आप देखो भाई, इसमें मंदिर तो बिल्कुल अकेला ही जा रहा हूँ, मेरा कोई फ्रेंड वगैरह साथ नहीं है। और अकेले जाने का बेनिफिट ये है कि मैं पूरे रास्ते राम धुन जपता हुआ, राम नाम जपते हुए जा सकता हूँ, और कोई साथ में फ्रेंड्स आते हैं तो आप लोगों को पता ही है यार, ओए तू ये कर रहा, ओए ये हो रहा, ओए तो अकेले में बेनिफिट यही होता है, अकेले जाने से तुम भक्ति में मगन होके जा सकते हो। जय श्री राम करते हो। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। ये हमारा ओल्ड आयरन ब्रिज जो 1933 में बना था। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो गाइस, ओल्ड आयरन ब्रिज अपना दिल्ली का फेमस पुराना लोहे का, तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा सारे उठाई गिरे कितने भी स्नैक किए, जर्सी स्नैचर्स होते हैं भाई, फोन बड़ी जल्दी स्नैच करते, तो अपने फोन मैं एक काम करता हूँ अपने पॉकेट में रखते और कंटिन्यू करते हैं अपनी चटनी को। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मैं फोन जेब में डालो और अपनी चटनी कंटिन्यू करो, मैंने पता लगे तो फोन नीचे पर रहा है। गाइस, ये मेरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल जहाँ से मैंने अपनी 10th क्लियर की थी, और काफ़ी सारी मेमोरीज रिलेटेड हैं यार, जुड़ी हुई हैं इससे। बहुत अच्छा लगा था टाइम बाद देख के। ये देखो, जय श्री राम। आज मेरा जन्मदिवस था, बर्थडे, और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ट्यूसडे के दिन मंगलवार को मेरा बर्थडे पड़ा। यार मतलब मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दिस इन माय वर्ड्स, मतलब क्या बोलूँ भाई, सौभाग्य है मेरे लिए बहुत बड़ा। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरा मंगलवार को मेरा बर्थडे पड़ा। थैंक यू सो मच बजरंगबली। सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ बाबा जी के मंदिर, और अब मैं चला दर्शन करने, और शायद मैं आपको दर्शन ना करवा पाऊँ क्योंकि अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं होता, तो आप आगे की कंटिन्यू कर, लेकिन आप फुल एंजॉय कर सकते हो मंदिर की वाइब्स जो आती हैं यार, अलग ही वाइब्स होती हैं। मरघट वाले बाबा की जय। Yeah.
बालाजी महाराज का मंदिर है और बंदर ना हो कैसे पॉसिबल हो सकता है। जय श्री राम। सो गाइस फाइनली दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं। हमने नहीं मतलब मैंने कर लिए हैं, मैं अकेला हूँ। दर्शन करने के बाद मतलब मैं कैमरा वगैरह बंद करके फोन जेब में डाल कर और आधे घंटे साइड में बैठ के प्रभु श्री राम के नाम में डूबा रहा और मुझे काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग मूड हो गया भाई। जितनी भी मतलब एक थकान सी होती है बंदा वॉक करके आता, सब कुछ खत्म, बिल्कुल रिफ्रेश माइंड हो गया। क्या वाइब्स हैं यार। और फाइनल दर्शन हुए तो मैं आपको थोड़ा सा मरघट वाले बाबा का जो मंदिर है दिल्ली में यमुना बाजार में सिचुएटेड है आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली मंदिर के बारे में कोई अभी ऐसे जानता नहीं है कि ये बना कब था, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन जो मैं बड़े बुजुर्गों से सुनता आया हूँ और जो मैंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में देखा, तो मुझे इसके बारे में दो मतलब मान्यताएं हैं इसके लिए लोगों में। मान्यता दो क्या है कि एक तो पहली ये है कि जो पांडवों ने महाभारत के आराम में 5 मंदिर बनवाए थे तो उनमें से एक मंदिर इसको माना जाता है, मरघट वाले बाबाओं को 5 मंदिरों में से पांडवों द्वारा जो मंदिर बनाए गए थे। और दूसरी मान्यता यह है कि जैसे कि यमुना के बैंक पर है और दूसरा यमुना के बैंक पर सिचुएटेड है तो यमुना उस टाइम पर यहाँ तक थी, तो अब तो कैसे काफ़ी मतलब दूर चली गई है कम होते होते जैसे जैसे टाइम बीता गया। और जब संजीवनी बूटी लेने हमारे प्रभु श्री राम के लिए के भाई लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था और उस टाइम पे यहाँ पे शमशान घाट हुआ करता था। तो यहाँ पर जब उन्होंने विश्राम किया तो यही एक मंदिर ऐसा माना गया। तो दो मान्यता है कि संजीवनी बूटी लेते हुए हनुमान जी ने यहाँ पे विश्राम किया था और दूसरा पांडवों द्वारा बनाया गया एक ये मंदिर है और जो अंदर जो मूर्ति है ना वो 8 से 10 फीट जमीन के अंदर है। और यही सब चीज़ें हैं इसके बारे में और दो ही मान्यता मैं जानता हूँ और इसीलिए यहाँ भक्तों को तांता हमेशा लगा रहता है जैसे कि आपने देखा। और मैंने फुल्ली इन्जॉय किया, आज मेरा बर्थडे था और मेरा मतलब सौभाग्य है कि मंगलवार को मेरा बर्थडे पड़ा और इसलिए मैंने फुल मजे करे, अकेले अकेले मजे करे प्रभु श्री राम के साथ, बजरंग बली के साथ। मेरे साथ मैं अकेला नहीं था भाई, बजरंग बली थे मेरे साथ मेरे मन में। तो जय श्री राम। सो गाइस व्लॉग ये छोटा सा जो दिल्ली का फेमस मंदिर था वो मेरे हनुमान जी का, मेरे बालाजी महाराज मरघट बाबा का जो मंदिर का मैंने ब्लॉग शूट किया वो एंड होता है। और मैं कहीं का कोई फिलोसोफर तो हूँ नहीं, तो मेरे जितना इसके बारे में बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिला पता चला तो मैंने ब्लॉग ये शूट कर लिया। तो भाइयों अभी तो मैं घर पे आ गया और दर्शन वगैरह अच्छे से हो गए, मरघट वाले बाबा का मंदिर से होकर आया और आपको भी मैंने अच्छे से दिखाया और बाबा को मैंने भोग लगा दिया उनके फेवरेट लड्डू बूंदी वाले। और अब जो बारी है भोग लगाने का, मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है गौ माता को भोग लगाना। और यार बाकी सबको तो पार्टीज वगैरह हम देते ही रहते हैं, केक भी कट होती है, लेकिन यार उनको भी भोग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं उनके लिए फ्रेश फ्रेश ये रोटियां मम्मी से बनवा के लेके जा रहा हूँ और गुड़ डाल के, इसमें गुड़ और रोटी शायद आई थिंक उनको फेवरेट अच्छी लगती होगी। तो मैं घूमते भटकते जाके ट्राई करता हूँ जल्दी से कहीं गाय मिले, नहीं मिली तो मैं एक अल्टीमेट ऑप्शन मेरे पास है, मैं गौशाला जाऊँगा और वहाँ पे फतेहरी गाय मिलती है। और दूसरा भाई चीज प्लीज़ ये मैं सोचना कि कई लोगों के माइंड में एक पॉइंट आता है जता रहा है यार ये तो अगर मंदिर जा रहा है तो जाना भाई हमें क्या दिखा रहा है। तो भाई दिखाने वाली बात ही नहीं है, थोड़ा सा यार हम जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं ना तो यार थोड़ा इस चीज़ को ना समझते नहीं है, तो क्या पता आप लोग देखो आपका माइंड चेंज हो। और इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को इस वे पे मत लेना कि मैं जता रहा हूँ, तू कर रहा तो करना भाई हमें तो दिखा रहा है। कई मेरे दोस्तों से बोलते भी हैं तो भाई जताने के पॉइंट मत लेना कुछ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस इस पॉइंट से लेना। जय माता दी, जय बजरंग बली की, चलते हैं गौ माता को घूमते भटकते घूमते और खिलाएंगे। फाइनली गौशाला में आया हूँ
अपने पुराने लोहे पुल के नीचे जो काफ़ी पुरानी गौशाला है। चलो चलते हैं। कहाँ भटक रहा है ये ले, ये कहाँ, अबे कूड़े के ढेर में कहाँ भटक रहा है ये ले। चले बिस्किट लेकर आओ बेटा, ले। जो भी मतलब मैं अच्छा कर सकता था अपने बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए। देखो देखो, लोग तो हमारे बर्थडे को स्पेशल बनाते ही है, जो हमारे लविंग वंस होते हैं, है ना, वो तो हमारे बनाते हैं, चाहे फैमिली हो चाहे हमारे फ्रेंड्स हो। लेकिन हम अपने बर्थडे को खुद कैसे स्पेशल बना सकते हैं, उसका मैंने छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस लिया और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मतलब अच्छे से राम नाम जपना, अपने बजरंग बली को पार्टी देना, भोग लगाना, आफ्टर दैट फिर गौ माता को भी एक छोटी सी पार्टी देना, उनकी रोटी और गुड़ की, और आफ्टर दैट मतलब हर चीज़ अब ठीक हुई है, अच्छी हुई है। और बाकी तो एज यूजुअल रहेगा ही, केक कट करना, दोस्तों को कुछ खिलाना पिलाना, हल्की सी जेब हल्की होनी हमारी तो वो सब तो चलता ही है। और शाम को तो एज यूजुअल जैसा होता है चलेगा ही। और तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो एंड करता हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो की लेंथ हो जाएगी, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो गाइज जय श्री राम, आप लोग भी ट्राई करना यार, अच्छी वाइब्स आती है। क्लब और लॉन्च का तो चलता रहता है अपने पार्टी वार्टी बर्थडे पे, लेकिन ये भी अच्छी वाइब्स देती है चीज़।